कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव के दौरान करारी शिकस्त देकर विजय हुए सावरलाल जाट को रविवार को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। श्री सावरलाल जाट, मैं प्रोफेसर सावरलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर सावरलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसी के साथ अजमेर से राजस्थान सरकार में दो मंत्री और केंद्र सरकार में एक मंत्री ने अपनी जगह बनाकर अजमेर के गौरव को बढ़ाया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने सावरलाल जाट के मंत्री बनते ही गांधी भवन चौराहे पर शानदार आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी।
शहर जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के सानिध्य में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए बताया कि अब अजमेर निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी बनकर रहेगा। अजमेर से चुने गए हमारे जनप्रतिनिधि अब केंद्र और राज्य में अजमेर के विकास और हित के लिए आवाज बुलंद करने के लिए मौजूद जो रहेंगे। हमारे यशस्वी नेता सांवरलाल जी जाट को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सहित सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से सांवरलाल जी के अंदर जो प्रशासनिक अनुभव है, कार्यकर्ताओं को और आम जन को जोड़ने की जो अद्भुत क्षमता है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उनके मंत्री बनने के बाद अजमेर का जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन में घोर उपेक्षा का शिकार अजमेर होता रहा, अब अजमेर की प्रगति को नए पंख लगेंगे। वहीं अजमेर सांसद सांवरलाल जाट के केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और तीर्थ पुरोहितों ने रविवार को पवित्र पुष्कर सरोवर का दुग्धाभिषेक कर देश में खुशहाली की कामना की। सरोवर के ब्रह्म घाट पर भाजपा किसान मोर्चा के देहात उपाध्यक्ष ईश्वर पाराशर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार और गाजे बाजों के साथ सरोवर की पूजा कर दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांवरलाल जाट के मंत्री बनने पर आशा जताई कि जल्द ही अजमेर और पुष्कर का सर्वांगीण विकास होगा। किसान नेता हमारे सांसद अजमेर जिले के श्री सांवरलाल जी के मंत्री पद पर विराजमान होने पर, मंत्री पद की शपथ लेने पर हमने आज तीर्थराज पुष्कर का दुग्धाभिषेक और विशेष पूजन किया है। सबसे बड़ी तो यह है कि राजस्थान सरकार में भी ये कैबिनेट मंत्री थे और इन्होंने पूरे राजस्थान में बहुत विकास काम कराए, उसी प्रकार से आज भारत सरकार के अंदर भी मंत्री बने हैं, तो ये राजस्थान को इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान में तो ये करेंगे ही, बल्कि इससे अधिक से अधिक राजस्थान को इसको फायदा मिलेगा और अजमेर जिले को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर करेंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद इब्राहिम फकर के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष शफी बख्श सहित मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में शुक्राने की चादर और फूल पेश कर दुआ की। गरीब नवाज की नगरी और खुशहाल और यहाँ पर है उसमें कामयाबी हासिल हो, ये लोग खिदमत कर सकें ऐसी तौफीक अता फरमाएं, सब के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के महबूब की तुहबत का तसद्दुक, शाह आलम आपका दरबार है, ख्वाजा बख्श आलम आपका दरबार, मेरे मोई मेरे मुश्किल खुशा गरीब नवाज अरे खाल फकर ने बताया कि ख्वाजा साहब से उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में अजमेर से प्रतिनिधित्व की दुआ की थी, इसके लिए उन्होंने मन्नत का धागा भी बांधा था। आज सांवरलाल जाट ने मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान मंत्री पद की शपथ ली है, इसी खुशी में ख्वाजा साहब का शुक्राना अदा किया गया। हमारी मन्नत थी कि हम जो है ख्वाजा साहब में जिस दिन भी ये सरकार आएगी और सरकार आने के बाद में अजमेर से जो एमपी हैं उनको अगर मंत्री बनाएंगे तो सरकार की बारगाह में चादर पेश कर शुक्राना अदा करेंगे। तो उसी तर्ज पर आज जब 1:30 बजे सांवरलाल जी जाट को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि हम सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे और शुक्राने की चादर पेश करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि सांवरलाल जी जो है अजमेर के हित में और दोनों विधायक अजमेर के हित में कार्य कर सकेंगे और जो सपना इस देश की जनता ने अजमेर के लिए देखा स्मार्ट सिटी बनने का और हेरिटेज सिटी बनने का, वो ख्वाजा साहब के रहमो करम से इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा।